हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ म्यूट पे। सबसे पहले तो अपने सभी सब्सक्राइबर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी का धन्यवाद। 500 की संख्या हो चुकी है, 500 लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। आप सबके सभी का इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि लिख रखा है मैंने कि 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इन छहों कंपनियों के पेमेंट का मैं पेमेंट नहीं कर पाया हूँ। एक एक कंपनी का बताऊंगा दोस्तों। 6 महीने तो मैंने डाला है फिलहाल, बाकी कुछ कंपनियों को इससे ज़्यादा भी हो चुका है। ट्रू बैलेंस का ही पहले नंबर एक पे बात करें तो इसका जून में पेमेंट ख़त्म हो जाना चाहिए था। इसकी EMI लास्ट जून में थी और मेरे ख्याल से जनवरी तक और 2022 जनवरी 2023 सॉरी 22 कह दिया 23 जनवरी 23 2023 तक ही मैं पेमेंट कर पाया हूँ। उसके बाद मेरा पेमेंट रुकना शुरू हो गया, मेरी स्थिति खराब होती गई, जॉब भी मेरी डिस्टर्ब होना शुरू हो गई थी। और उसी के बाद से फरवरी से डिस्टर्ब होना सारी EMI शुरू हो गई थी हमारी। होम क्रेडिट को शायद 10 महीने होने वाला है, 10-11 महीने हो गए मैं EMI नहीं दे पाया हूँ। ट्रू बैलेंस का भी नहीं दे पाया हूँ। मनी व्यू का भी 6 महीने 7 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और नवी की बात करें, नवी का भी थोड़ा सा है, मतलब ये कंडीशन हो गई है दोस्तों कि नवी का केवल 4 से 4.5 हज़ार बाकी है। बाकी मैंने दे दिया था, इनका अमाउंट कम था, सबसे कम इन्हीं का था, आई थिंक 15 हज़ार का था। तो इनका केवल 4.5 हज़ार पेंडिंग है, वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ दोस्तों। ये कंडीशन हो गई थी। तो ट्रू बैलेंस, मनी व्यू, हीरो इनका इसका क्योंकि लोकल ऑफिस है, इनके रिकवरी वाले होम विजिट करते थे, घर आते थे, तो ये चलते चलते जब तक व्यवस्था हो पाई जून तक, आई थिंक जून 2023 तक मैंने इनकी EMI दी है। किसी तरह कुछ एजेंटों ने भी अपने पास से पैसा लगाया उसमें से थोड़ा बहुत, तो जून तक किसी तरह चल पाया 2023 तक इसी साल। उसके बाद जुलाई से मैं इनका भी पेमेंट एक भी EMI नहीं दे पाया हूँ दोस्तों। और नवी का हो गया, इस तरह होम क्रेडिट का हो गया, 10-11 महीने होने वाले हैं। और बजाज फिनसर्व RBL बैंक का जो क्रेडिट कार्ड होता है, ये भी शायद अप्रैल तक मैं इसका मिनिमम बैलेंस जो होता है वो अप्रैल तक मैं दे पाया हूँ। उसके बाद इनके भी रिकवरी एजेंट होम विजिट करते थे। इन छह कंपनियों में केवल हीरो फिनकार और होम ये RBL बजाज क्रेडिट कार्ड इसके जो है रिकवरी एजेंट आ चुके हैं, होम विजिट करते हैं। बाकी इन चारों के ट्रू बैलेंस, मनी व्यू, नवी, होम क्रेडिट का इनका कोई रिकवरी एजेंट नहीं आता, केवल इन्हीं दो के आते हैं। तो दोस्तों ये थी छह कंपनियों के बारे में बताया हूँ मेरे अनुभव। और आते भी हैं रिकवरी एजेंट, कोई डरने की बात नहीं। शुरू में डर लगता है, सबको लगता है। बाकी बात करेंगे फोन से, चाहे तो अगर आप थोड़ी जानकारी आप ले लीजिए कि हाँ, और ख़ासतौर से अगर पर्सनल लोन है दोस्तों, हाँ अगर आपका और क्रेडिट कार्ड है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तो आपने कुछ दिया नहीं है इनको, कोई गारंटी के तौर पर कुछ रखा नहीं, तो ये कुछ नहीं कर सकते। तो आपने कुछ साफ मना कर दिया कि हाँ मेरी कंडीशन नहीं है, मेरी इनकम नहीं है, मैं नहीं जमा कर पाऊँगा। आते भी थे, हीरो का भी आया, कई एजेंट आए घर, लास्ट में भी आई थिंक जुलाई में भी आया था। मैनेजर से भी उसने बात कराई, मैंने कहा RTP डाल दीजिए, मैं जमा नहीं कर पाऊंगा, मेरी स्थिति नहीं है। तो वही एजेंट का हंसा वही रहती है, घर का खर्च कैसे चला रहे हैं, दुनिया भर की बातें। पहले तो वो एजेंट ही गलत टाइम आया था, 7 बज गए थे लगभग वो आया था, मैंने तुरंत पहले ही चढ़ाई कर ली थी, हाँ आपको तुमको RBI की गाइडलाइन नहीं मालूम क्या, सुबह 8 बजे से 7 बजे तक आना चाहिए।
नहीं वो अभी 7 नहीं बचे हैं, तो पेमेंट चाहिए, फिर पेमेंट तो नहीं जमा होगा। नहीं जमा कहाँ से, जब जॉब नहीं है तो नहीं जमा कर सकती। कहा मैनेजर से बात कर लीजिए, मैनेजर से बात करवाई उन्होंने, टीएल से, उनसे भी हमने कह दिया सर आरटीपी आप उसको लगा दीजिए साहब, भेजा उससे नहीं हमारे पास, नहीं देवे। तो वही जो भाषा एजेंट बोलते हैं वो टीएल की ही भाषा रहती सिखाई हुई, अपना घर का खर्च कैसे चला रहे हैं। तो साहब मैंने कहा मैं चाहे जहाज से चलाऊं, चाहे मांग के खाऊं, चाहे लंगर में खाऊं या रिश्तेदारों के यहाँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं। मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, जब होगा तब दूंगा। तो दोस्तों रूम में डर लगता है। बजाज वाले का भी वही आया, इनका एजेंट दूसरों में इस पर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो हम घर आ गए हैं, घर आ रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ मिलने पेमेंट। एक आध बार आदमी फंस जाता है, तो आपकी जानकारी हो जाती है, आप इनको भी, इनके खिलाफ तो मैंने कंप्लेन कर दी थी, तो इनकी तो नौकरी भी खतरे में पड़ गई थी। तब से उसके बाद से ना मैंने पेमेंट मिनिमम जमा किया, ना कोई आता है मेरे पास। तो दोस्तों पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। हो चाहे घर आए, चाहे कॉल करें, कोई चिंता की बात नहीं। और दोस्तों सही बता दूं, लगभग 3 महीने हो रहा है, 3-4 महीने से ज़्यादा मैंने अननोन नंबर सारे ब्लॉक कर रखे हैं। मैं किसी की कॉल ही अटेंड नहीं करता, मैं फोन रिसीव करता ही नहीं हूँ, वो रिजेक्ट हो जाते हैं कॉलें, क्योंकि अननोन नंबर ब्लॉक है, तो अब ऑटोमेटिक कॉल सारी रिजेक्ट हो जाती हैं। और कॉल भी अब आना बंद हो गई हैं लगभग, केवल होम क्रेडिट का ऑटो कॉल शायद लगा रहता है, इनकी कॉल अभी भी आती है, अब कम हो गई है। सुबह कुछ आ जाती है और शाम के टाइम कुछ 5-6 कॉलें आ जाती हैं, अब धीरे धीरे वो भी कम हो रही है। बाकी इनमें से कोई शायद एक आध बार आ जाती हो, बाकी कॉल भी मिस कॉल में नहीं शो करता, केवल होम क्रेडिट की कॉल आती है, बाकी कॉल भी आना बंद हो गई है। मैसेज आते रहते हैं, मेल आती रहती है, मनीबुक की नोटिस वगैरह सब आ चुकी है, सब क्रेडिट की भी आ चुकी है, मनी बुक की भी आ चुकी है, आरबीएल की भी आ चुकी है, क्रेडिट कार्ड की। तो नोटिस वोटिस कोई डरने की बात नहीं, एडवर्टाइजमेंट की भी धमकी दे चुके हैं हम क्रेडिट। जब एडवर्टाइजमेंट क्या है, जब नौकरी ही नहीं तो तुम प्राइवेट नौकरी करते थे, नौकरी है ही नहीं, सैलरी है नहीं, तो क्या काटोगे। अभी पक्की नौकरी होती, गवर्नमेंट जॉब होती, पक्की सैलरी होती हमारी, अब तो एक बार चलो एक टेस्ट करके आधी सैलरी मेरी कटवा लेते, जब यहाँ नौकरी नहीं है, कोई इनकम ही नहीं है, तो क्या कटवाओगे। तो अकाउंट से कुछ मेरे कर नहीं सकते, क्योंकि अकाउंट में मेरे बैलेंस ही नहीं है। तो दोस्तों इन सब पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड लोन से आपको बिल्कुल तनाव रहित रहना है, बिल्कुल परेशान में नहीं होना। और मल्टीपल लोन हो चुके हैं, कई जगह से हो चुके हैं, तो दोस्तों संभलना भी आसान नहीं। दोस्तों साल भर हो रहा मुझे, आज भी दोस्तों मैं संभल नहीं पा रहा। तो ये मत सोचिएगा कि हाँ लाओ 3 महीने 6 महीने टाइम ले लो मैं जमा कर दूंगा, दोस्तों बहुत मुश्किल है, सच में बता रहा हूँ। अगर आप ही अकेले कमाने वाले हैं तो आप नहीं दे पाएंगे, ये लंबा चलेगा समय। अगर आप नए नए डिफॉल्टर हो रहे हैं तो आपको लगता होगा कि आप, क्योंकि हम देखते हैं ट्विटर वगैरह पे, हाँ दोस्तों इन सब का प्रेशर कम करने के लिए, हाँ मैं एक्टिव रहा हूँ, मेल बराबर सारी कंपनियों को, सारे सबको मेल मैं बराबर करता रहा, कहाँ मेरी स्थिति खराब है, मैं पैसा देना चाहता हूँ, मगर मेरी इनकम नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा अभी पैसा, जब होगा तब दूंगा। ये बराबर आप मेल हर महीने 2 महीने 3 महीने मेल सारी कंपनियों को करते रहिए, ट्विटर पर कंप्लेन डालते रहिए, तो धीरे धीरे इनका दबाव कम हो जाएगा। आपको कॉल आने आती रहेंगी, वो भी आप 3-4 महीने बाद कॉल भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो अगर आप फंस चुके हैं लोन के चक्र में, दलदल में, तो दोस्तों इतना आसान नहीं निकलना। अब मेरी पोजीशन ये समझ लीजिए कि अब जॉब भी लॉकडाउन के बाद से, 2020 के बाद से ये स्थिति हो गई कि अब नौकरी भी ढंग से नहीं मिलती, मिलती भी है तो उतना अच्छा वेतन नहीं मिल रहा, क्योंकि मार्केट खराब हो चुकी है, अच्छी सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। सोच लीजिए नवी का केवल 4,500 है मेरा,
7 महीने हो चुके हैं, तो मैं इतना उसका पेमेंट मैं चाहता बहुत हूँ, नहीं इसका एक छोटा सा अमाउंट है इसका क्लियर कर दूँ, क्योंकि इतना ही नहीं बर्डन है मेरे पास, ब्याज वाले का भी पैसा हो चुका है, वो भी लोकल का बंदा है, उसको भी समझाना बुझाना पड़ता है, थोड़ा बहुत दे देता हूँ भी समझा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह झेलने के बाद जो हमारे भाई झेल चुके हैं, कहीं टाइम से लोन ले लिया है, कई जगहों से लोन ले लिया है, तो दोस्तों आराम से बिल्कुल रोक दीजिए सारी EMI, पैसा कि भाई नहीं तो देंगे कहाँ से, जानकारी थोड़ी बहुत ले लीजिए, RBI की गाइडलाइन जानकारी ले लीजिए, फिर आप ताकि उनके सामने आप खड़े होने में आपको डर नहीं लगेगा, उनकी कॉल वगैरह कंपनी के एजेंट की जो कॉल आती है उसे रिसीव करने की कोई जरूरत नहीं, आप मेल से कंपनी से संपर्क बनाए रखिए और डरिएगा बिल्कुल नहीं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं, जब समय जैसे फंसाया है ऊपर वाले ने वैसे ही ऊपर वाला रास्ता भी देगा धीरे धीरे। तो हो सकता है मेरी बातें मेरा अनुभव, बाकी होता कुछ नहीं है, केवल सब झूठी धमकियां हैं, लीगल नोटिस कर देंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, ये सब कहीं कोई नहीं ले जाएगा, आप परेशान मत होइएगा, आखिरी में होना लास्ट में सेटलमेंट ही है, ये बात ध्यान रखिएगा, जब पे धमकाते इसलिए हैं सेटलमेंट में आपको अच्छा मिल जाए, लेकिन आप इतना लेट करोगे उतना अच्छा छूट आपको मिलेगी, क्रेडिट कार्ड मेरे पास मैसेज आने लगे हैं, 30% का सेटलमेंट मिलने लगा है, मनीयू का भी आने लगा है, इसमें भी 50% तक के डिस्काउंट मिलने लगा है, लेकिन अभी तो मेरे पास दोस्तों तो है ही नहीं, होगा तो देखा जाएगा। तो दोस्तों शायद ये बातें सुन के आपको कुछ मनोबल बढ़े हिम्मत बढ़े, बस यही मेरा उद्देश्य है वीडियो डालने का, अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों, ताकि आप हिम्मत ना हारें और इस मुसीबत से एक ना एक दिन हम सभी निकल कर बाहर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो जिन लोगों ने वो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। धन्यवाद।